the nucleus nuclear envelope first the contents nuclear envelope structure of nuclear envelope and the nuclear pores so first the nuclear envelope so if we want to define nuclear envelope is basically the outermost boundary of nucleus it is a double membrane structure and it separates nuclear material from the cytoplasmic material इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट बाउंड्री है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है यानी जैसा तरह सेल मेम्ब्रेन इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दो मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मैमब्रेन एंड सेक सेकेंड वन इट इज सेपरेटिंग न्यूक्लियर मटेरियल ये न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से क्या करेगी सेपरेट कर रही है सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनवेल्प न्यूक्लियर एनवेल्प को अगर हम स्ट्रक्चरली स्टडी करते हैं तो इसके देर आर टू मैमब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एंड वेल्प आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें इट इज़ कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम तो इस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम के जो करेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी मिलते हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स राइबोसोम्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी मौजूद हैं बिल्कुल इस तरह जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम के ऊपर मौजूद होते हैं इनर न्यूक्लियर मैंब्रेन इज सेपरेट फ्राम सेपरेटेड फ्राम दी आउटर न्यूक्रियर मेम्ब्रेन इनर न्यूक्लियर मैंब्रेन आउटर से बिल्कुल अलग है दोनों के दरमियान बाकायदा एक स्पेस मौजूद है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली क्नेक्टेड नहीं है इनर न्यूक्लियर मेब्रेन एक्चुअली जो न्यूक्स का इन्वायरमेंट है उसको टच कर रही है जबकि आउटर न्यूक्र मैंब्रेन साइटोप्लाज्म को टच कर रही होती है आउटर और इनर न्यूक्लियर मैंब्रेन के दरमियान जो कोनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पोर्स के मुकाम पर होता है तो इन न्यूक्लियर पोर की पोजिशन के ऊपर आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं अदरवाइज दोनों से एक दूसरे से सेपरेट हैं सो न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियर एंडवेल्प किया जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज द न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर पोर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटीरियल ये बेसिकली ड्यू टू द न्यूक्लियर पोर्स होकर न्यूक्लियर पोर्स का अगर हम देखें तो इट इज द इट इज वेरी डायनामिक स्ट्रक्चर यानी सिंपल तो इसका काम है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना डायनामिक होने का मतलब यह है कि इसका साइज बड़ा स्पेसिफिक है सम ऑफ द मटेरियल दे कैन ट्रांसपोर्ट फ्राम दे कैन मूव फ्राम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज अदर कैन मूव फ्राम साइटोप्लाज टू द न्यूक्लियस जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आप दूँ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं हिस्टोन प्रोटीन्स साइटोप्लाज में बनती हैं और दे एन दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस इससे न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं मैसेंजर आर बनता है और ये दोनों चीज़ें बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती हैं तो इससे न्यूक्लियस न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या करें? Material कर रहे हैं मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर पोर इतने लार्जर साइज के नहीं होते कि उसमें से डीएनए भी मूव करके बाहर जा सके इसलिए क्रोमोसोम्स हमेशा जब न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं जबकि वो जो स्मॉल मालिक्यूल्स हैं या दूसरे मालिक्यूल जो हैं वो दे कैन मूव आउटसाइड फिर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर अगर हम इसको गौर से देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो ब्लैक एरिया है वो ये शो कर रहा है कि दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट हैं सिर्फ न्यूक्लियर पोर की पोजिशन के ऊपर ये दोनों आप एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं अगर आप न्यूक्लियर पोर के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसके ऊपर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल नजर आई बेसिकली ये वो प्रोटीन्स हैं जो इसका न्यूक्लियर पोर को बनाती हैं न्यूक्लियर पोर को बनाने वाली कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं एंड सम ऑफ देम आर दी फिलामेंटस प्रोटीन फिलामेंट्स का मतलब ये है कि वो यानी कि लॉन्ग जो है वो स्ट्रक्चर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ग्लोबुलर एंड फिलामेंटस प्रोटीन मिलकर जो है वो इसका एक स्ट्रक्चर बनेंगे न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर पोर है ये बड़ा कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हम आमतौर पर सिंपल न्यूक्लियर पोर कहने की बजाय न्यूक्लियर पोर कंप्लेक्स का नाम देते हैं